दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारी है, और सुने क्या कुछ कहा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। आपको बता दें कि बुधवार को सुशांत के पिता अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा था कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के हाथों सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग दिए जाने की आशंका जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि रिया ने सुशांत को बिना उनकी जानकारी के प्रतिबंधित ड्रग दिया ताकि उनके दिमाग को नियंत्रित करके उनके साथ मनमानी कर सके। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो उसकी हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया और उसके सहयोगियों को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दिस ड्रग इशू इज इफ इट इज ट्रू एज शोन बाय सम चैनल यस्टरडे देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस मैटर बिकॉज़ द फैमिली व्हेन इट गॉट द एफआईआर रजिस्टर्ड देयर वाज एन इंप्रेशन दैट सुशांत वाज बीइंग ओवर ड्रग्ड बट व्हेन वी सेड ओवर ड्रग वी मेंट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यू नो व्हिच इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सम साइकियाट्रिस्ट And if you give an overdose, then it can, you know, disturb the mental balance of somebody. But now, if what has been disclosed is correct, then this is actually banned drug. Now, if it is banned drug, then firstly, this will lead to definitely abetment to suicide as well as murder, either of the two. And lastly, there'll be a Narcotics Control Bureau issue also, because then who are the suppliers? They will also have to be arrested. So definitely the scope of these proceedings will widen quite substantially. And I feel that now the matter is getting very, very serious. And hopefully some very major breakthrough should come from the CBI.